आएगा, जब मेरा प्यारा नाम आएगा क्या करता होगा वो तेरा प्यारा राम। तेरे मौत का सामान इकट्ठा कर रहा होगा मेरा प्यारा राम। ओ संभो असंभव सीते असंभव सीते तुम्हारी ये दशा अवस्था को देख करके हमारा हृदय भी करुणा से भर जाता है। देख रहा हुई सीते कृष तन शीश जटा एक मेरी केवल बालों की एक ही टेढ़ी बनाए हो, शरीर जीर्ण हो गया है। सीते आती है तेरी याद मेरे मन मानस को भले ही हमारी याद तुमको आती हो ना आती हो ये रोता है क्या लोग तुमको लाने वाला तुम्हारी वेदना में सीते भले ही हमारी वेदना तुम्हें रुलाती हो या ना रुलाती हो आखिर तुम मुझसे रुष्ट क्यों है मुझसे विमुख क्यों है। सीते मैं चाहता हूँ एक बार मुस्कुरा दे केवल एक बार केवल एक बार सीते कर कृपा दृष्टि मेरे सच्ची राहत हो वो राह दिखा दे ऐ सीते है यही आरजू मेरे तुल में दीदार करा दे ऐ सीते मझधार में मेरी ये नौका है पार लगा दे ऐ सीते शुभ शयानी ये मंदो दरी आदि शबरानी इन शबरानियों को मैं तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा। सीते बस एक कार करना है तुझे और काम वो है सीते तो अनुचरी काम ये पद मोरा बस एक बार एक बार बिलोक मम रोना केवल एक बार सीते मेरी ओर कृपा दृष्टि डाल दी एक बार। हे रावण तू मेरी कृपा दृष्टि ही चाहता था कांचा की कृपा दृष्टि की तो शिव धर्मा को तोड़ा होता उस बड़े स्वयंवर में तूने मुझसे नाता जोड़ा होता और मैं जिन चरणों की दासी हूँ तो हूँ। हे कायर हे कायर काट नहीं
रोम रोम में रम रहे श्री राम रघुनाथ सदा। सर सुनो हरियाणिस मोही अधम लीलज लाज नहीं तो ही सुन दसमुख दोत प्रकाशा कपह की नली कराई विकासा। तू जैसा चाहता है तो ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं होगा क्योंकि तू एक जुगनू के समान है और मेरे प्रभु एक सूर्य की भांति चमकने वाली है। मैं देखूंगा तुमने कहा कि यदि कृपा दृष्टि हुई चाहते थे तो धनुष को तोड़ करके लाते। सीते यदि मैं धनुष को तोड़ करके लाता तो उस समय फिर कृपा दृष्टि मैं नहीं तुम चाहती मुझसे। मैं कृपा दृष्टि तुमसे चाहता हूं। यदि तुम चाहती उस समय तुम्हारा कल्याण ना हो पाता लेकिन जो मैं चाहता हूं उसमें मेरा कल्याण है। सीते क्योंकि मैं चाहता हूं तेरी उस दृष्टि में जब मैं हरण करके लाया तो क्या तूने मुझे देखा नहीं। सोच रहे होंगे आप लोग कि रावण ने क्या सीता को नहीं देखा या सीता ने रावण को नहीं देखा। देखा लेकिन उस दृष्टि से नहीं सीता ने देखा जिस दृष्टि से ये रावण चाह रहा है। क्योंकि स्वयं गंगा ने आशीर्वाद दिया है कि लोकप हो लोकप तो यदि वो दृष्टि डाल देगी जिस किसी साधारण प्राणी पर भी तो वो साधारण प्राणी भी लोकपाल बन जाएगा। कौन शक्तिवान नहीं बनना चाहता कौन सबल नहीं बनना चाहता और रावण भी बनना चाहता है क्या गलत काम कर रहा अच्छा काम कर रहा है। सीते मैंने बार बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन तूने बार बार मुझे अपमानित किया है। मैं रावण हूं और जो रावण की नहीं वो त्रिलोक में फिर किसी की नहीं। जो दाल रावण के हाथों से छुटती नहीं है सीते उस दाल को ये रावण तो सीते तोड़ देता है। चलेगा महाराज तू अपने शत्रुओं की बार बार दुहाई देती है। मैं देखूंगा तेरे उस सतबल को कहा है तेरा सतबल आ जाकर के मेरे हाथों से तुम्हें बचा ले जाए। सावधान हो जा सीते सावधान देख रहा हूँ आज मेरे हाथों से। अभी त्रिजटा बुआ नहीं आई है उनको भी बुलवा लो। त्रिजटा बुआ कहाँ खो गई आवश्यक नहीं जो अपनी आवश्यकता समझेगा अपने आप उपस्थित हो। यहाँ पर जब मैं हरण करके लाया मेरे नयन तब से तृप्त हो गए क्योंकि मेरे नयन तो प्यासे हो गए थे। आज तक मेरे नयन पथ देखते पथरा गए छवि सुधार पान करने को नयन अकुला गए लेकिन देख रहा हूं तो तृप्त हो जाता हूं। देखकर लंका में तुमको ये धन्य है नर नारिया जो कुम्हराई हुई ये लंका रूपी बाटका थी तुम्हारे आने से तुम्हारे दर्शनों से फिर खिल उठी है ये हृदय फल वाला। मैं चाह
चाहता हूँ सीधे कि दे दो वो दर्शन जो मैं चाहता हूँ, दे दो मुझको पुण्य दर्शन, क्योंकि प्राण मेरे अकला गए हैं आज तक, सो नैन मेरे पथ देखते पथ आ गए सीधे। मैं देखता हूँ चित्र पर्दा है, आखिर किस बात का पर्दा है, बातें तो तू कर रही है मुझसे, अब मैं चाहता हूँ कि बातें ना कर लेकिन देख, बातें कर रही है लेकिन देख तू किनके की ओर है, तुझ पर अभी पर्दा ही है और आंखें नीचे को रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दसमुख से करती हो। मैं जानना चाहता हूँ तिनका के लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो, क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो। गूंगी हो गई तो फिर मैं अब इसको जीवन भर के लिए गूंगा किए दे रहा हूं सीते, अब तू जीवन में कभी बोल नहीं पाएगी, सावधान हो जा, सावधान, आज मेरे हाथ से बचे ही नहीं, सावधान। तेरे घर ओट कहत बैदे ही सुमर अबध पति परम सने ही, तिनके की ओट करके माता जानकी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया महाराज रावण को, आप ही सुख दो हे रावण, मैं जिन चरणों की दासी हूँ तो हूँ, जिन चरणों की दासी मारन धावा, मैं कन्या कह
नहीं नीति बुझावा महाराजे स्वामी तुमने तुम्हारा भी ये तो साहस नहीं करना चाहिए।